हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी तो जैसा आप जानते हैं हम लोग यूनिट थ्री पे थे और कोलिनोलाइटिक एजेंट्स पढ़ रहे थे तो एक हमने देखा था सोलोनिय वाला इसके पहले वीडियो में आइए आज कुछ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स देखें जो सिंथेटिक नेचर के हैं दैट मीन्स हमने उनको सिंथेसाइज किया है जैसे इसमें फर्स्ट है ट्रोपिक तो ट्रोपिकेनामाइट कैसे बनता है इसका और एक नाम है ट्रोपिका स्ट्रक्चर में आप देखिए आपके पास क्या है सी डबल बॉन्ड ओ ये है ना ये हो गई आपकी एरोमेटिक रिंग सी एच टू ओ एच ये हो गया अमीन ग्रुप इसके तीन बॉन्ड्स हो गए इसके साथ एक सब्सिट्यूशन बल्कियर वाला हो गया और ये आपका सी टू एच फाइव तो इस तरह से ये हमारा ड्रग प्रिपेयर हुआ ये ड्रग का प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाइट है या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है एल्कोहल में सॉल्यूबल है मिथाइलिन क्लोराइड में सॉल्यूबल है और वाटर में स्लाइटली सॉल्यूबल मतलब थोड़ा घुलेगा, है ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह का है तो ये एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है किसका? एसिटाइल कोलिन का और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो होता है आपका शॉर्ट छोटा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है स्टोरेज अगेन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है ना इसका यूज़ क्या है इसका यूज है इंडक्शन ऑफ मेड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया साइक्लोप्लेजिया मतलब जो हमारी आई के अंदर सीलियरी मसल है उसका पेरालिसिस। दूसरा इसका यूज है एंटीरियर उवा के ट्रीटमेंट में युवा का मतलब क्या है हमारी आई का जो सेंट्रल लेयर है मिडिल लेयर है उसके डिजी डिजॉर्डर्स डिजीजेस के ट्रीटमेंट में नेक्स्ट ड्रग जो हमारे सिलेबस में है इज़ मतलब हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम और एक है साइक्लोपेंट ये देखिए आप स्ट्रक्चर यहां आप नोटिस करिए तो यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन है उसके चार बॉन्ड्स हो गए हैं एक दो तीन चार तो ये क्वार्टरनरी में कन्वर्ट हो गया और ये क्लोराइड है ना तो इसकी भी प्रॉपर्टी सेम है कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है वाटर में इथेनॉल में सॉल्युबल है और टॉलवीन में इनसॉल्युबल है सेम मकैनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी है इस, इसके में भी क्या होता है कि ये आपका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है कोलिन का ये हमारे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है और एसिडाइलकोलिन के एक्शन को रिवर्स कर देता है मतलब ऑपोजिट कर देता है ये एट्रोपिन की कंपैरिजन फास्ट होता है इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपका शॉर्ट होता है छोटा होता है सिमिलरली इसको भी हम क्या करते हैं वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर टेम्पर प्रूफ कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट सभी का स्टोरेज ऑलमोस्ट एक जैसा ही है यूज क्या है ड्रॉप के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं अगेन साइक्लोप्लेजिया और मेड्रियासिस में ठीक है तो थर्ड ड्रग जो हमारा ये टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है दैट इज क्लाइडनियम ब्रोमाइड इसका और एक नाम है क्लाइडनियम ये देखिए आप स्ट्रक्चर यहां पर भी आप नोटिस करेंगे तो एन जो है उसके फोर बॉन्ड है सी एस थ्री एक में दो तीन और ये चार तो ये प्लस चार्ज कैरी कर रहा है ठीक है ये भी आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है वाटर में सोल्युबल है। इसका मैकेनिज्म अगेन सिमिलर है। ये मस्क्रिनिक रिसेप्टर, जो कि एसिटाइल कोलीन का रिसेप्टर है, उससे बाइंड हो जाता है और इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। इनका लॉंगर इफेक्ट होता है एस कंपेयर टू तो बीटा

कि ये हमारे स्मूथ मसल्स के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको ब्लॉक करता है तो जो ब्रॉन्क्यूल्स आपकी सिकुड़ गई थी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी उसको डायलेट करेगा इसके बाद बाइल के सिक्रीशन को डिक्रीज करेगा कम करेगा फिर एंटी स्पैजमोटिक है स्मैज्म को कम करेगा और एंटी अल्सर इसके अलावा इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेटेबल बोवल मतलब जो बोवल है उसमें अगर इरिटेशन है तो उस तरीके के सिम्टम्स को भी ये ट्रीट करेगा नेक्स्ट ड्रग है हमारा डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इसका सिनोनिम है बेंटाइल और एक नाम क्या है बेंटाइल है ना? देखिए ये स्ट्रक्चर है अगेन यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो जनरल फॉर्म पर है इसमें तीन ही बॉन्ड्स हैं इसमें भी आपका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है इसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है ये वाटर और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है है ना अब देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है ये एंटी मस्करीनिक और नॉन स्पे नॉन स्पेसिफिक एंटी स्पैजमोटिक एजेंट दोनों है दैट मींस ये आपका एक नॉन सेलेक्टिव स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है इसको ये नहीं पता कि कौन सी स्मूथ मसल के साथ रिलैक्सेशन का काम करना है जो भी पोर्शन में स्मूथ मसल प्रेजेंट है ये उसको रिलैक्स कर देगा ठीक है इसका स्पेसिफिक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट जो है वो केवल मस्क्रीनिक पर है निकोटिनिक पर नहीं है और साथ में ये हमारे जी के जो स्मूथ मसल्स हैं उसके लिए भी स्पैजमोलाइटिक की तरह काम करेगा ये क्या करेगा पेन जो स्पैज्म है स्पैज्म का जो मरोड़ है वो जो है उसको रिलीफ करने के लिए यूज़ होगा इसके बाद इरिटेटेबल बॉबल में यूज होगा गैस्ट्रिक और डिओडिनल अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ होगा डिस्मोनेरिया, प्रायरोप्लाज्म बाइलरी डिस्फंक्शन इन सारे में ये यूज़ होगा इस ड्रग का हम लोगों को सिंथेसिस भी पढ़ना है तो आप सिंथेसिस में देखिए ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है है ना इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं सी सिक्स एच फाइव सी एच टू सी एन ठीक है तो ये जो ऑलमोस्ट एक आपकी रिंग जैसी थी ये प्रिपेयर हो गई यहाँ पर ये देखिए ये कंप्लीट एरोमेटिक रिंग हो गई है ना और उसके साथ में ये सी एन ये और ये जो हाफ प्रिपेयर रिंग थी वो एक साइक्लोहेक्सेन टाइप की रिंग में कन्वर्ट होता है नाउ हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं इथाइल एल्कोहल इथेनॉल इथेनॉल के प्रेजेंस में हमारा ये जो कार्बन है ये रह जाएगा है ना और नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा ये बन गया सी ओ ओओ सी टू एच फाइव नाउ हम लोगों को यहाँ पर क्या कराना है सी टू एच फाइव ओ एन ए रिमूव कराना है तो ओ एन ए जो है ये एन ए हम बाहर से ऐड करा रहे हैं ठीक है यहां पर आप देखिए ये सी डबल ओ एज इट इज है ठीक ये सी टू एच फाइव ये रहा आपका सी टू एच फाइव एन दिस वन एन है ना और फिर ये सी टू एच फाइव टू टाइम्स अब बच कौन गया ये सी एच टू होल्ड वाइस ये रहा सी एच टू होल्ड वाइस ठीक है इस तरह से ये अटैचमेंट हो गया नाउ अब हम लोग यहाँ पर क्या करा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर एच टू हाइड्रोजन एड करा रहे हैं और साथ में प्लेटिनम हमारा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है तो इस तरह से ये आपकी बेंजीन की एक रिंग जो पहले थी ये फिर ये आपकी साइक्लोक्सिन की रिंग C डबल बॉन्ड हो ये सी एच टू होल्ड एन सी टू एच फाइव होल्ड ये आपका जो रिक्वायर्ड ड्रग स्ट्रक्चर था वो प्रिपेयर हो जाता है है ना तो ये ड्रग की सिंथेसिस हमारे सिलेबस में है नेक्स्ट ड्रग जो हमको पढ़ना है दैट इज ग्लाइकोपायरोलेट इसका और एक नाम है ग्लाइकोपायरोलेट ब्रोमाइड ये रहा इसका स्ट्रक्चर तो इसकी भी प्रॉपर्टीज कैसी हैं कि ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर है इसका टेस्ट बिटर होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है अल्कोहल में सॉल्यूबल होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 193 डिग्रीज है और ये एक तरीके का रिएक्शन गिविंग है किसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ये ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ये रिएक्टिव होता है इसके बाद ये आपका कैसा है मस्क्रीनिक रिसेप्टर का ब्लॉकर है. निकोटिनिक से कोई इफेक्ट नहीं है ओनली मस्क्रीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और मस्क्रीनिक रिसेप्टर की ब्लॉकिंग से कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा वो रुक जाएगा इनहिबिशन ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन है ना स्टोरेज कैसे है वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट यूज़ क्या है ये जीआईटी के सिक्रीशन को और सलाइवा को सप्रेस कर देता है पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में यूज़ होता है और साथ में कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है इसके बाद नेक्स्ट ड्रग है हमारा मिथेनली ब्रोमाइड इसका और एक नाम है मिथेनलिन ये देखिए ये स्ट्रक्चर है इसके साथ में ये ब्रोमाइड आयन है ये प्रॉपर्टी में कैसा होता है व्हाइट टू येलोइश व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है नेचर से स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है ये मैकेजम ऑफ एक्शन किस प्रकार से देता है तो अगेन सिमिलरली ये फिर से हमारा क्या होता है मस्क्रीनिक जो रिसेप्टर हैं उनके साथ बाइंड है। और बाइंडिंग जरूर करेगा लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं करेगा ठीक है ब्लॉक करेगा उसके साथ में जो अंदर एसिटाइल है मस्क्रीनिक रिसेप्टर के अंदर वाला जो एसिटाइल कोलिन एंडोजिनस अंदर वाला है उसको ये रोक देगा मस्क्रीनिक रिसेप्टर के पास खुद का जो एसिटाइल कोलिन है उसके सिक्रीशन को रोक देगा और साथ में ये कहाँ ब्रेक होता है हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये टूटता है और यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है देखिए जैसे ये स्टूडेंट्स आप ऐसे समझिए ये आपका मस्क्रीनिक रिसेप्टर है आपने ये ड्रग भेजा ड्रग अंदर गया इस तरह से ये बाइंड हो गया ठीक है अब ये बाइंडिंग जो है ये क्या करती है जो इसी रिसेप्टर के अंदर आपका एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है उसको रोक देती है उसको ब्लॉक कर देती है इस प्रकार से अब जब ये ब्लॉक हो गया तो आपका फर्दर कोल की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है ये आपका वेल एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इसका यूज है क्रैम्पिंग और स्पैज्म यानी कि वही जो मरोड़ होती है स्टमक में इंटेस्टाइन में ब्लैडर में उससे रिलीफ करना और पैनक्रियाटिस गेस्ट्रियाटिस पेप्टिकल्सर ऐसी चीजों को प्रवेंट करना आइए आगे चलते हैं देखिए नेक्स्ट ड्रग जो है हमारा वो है प्रोपैंथिल ब्रोमाइड इसका और एक नाम है प्रोबेंथीन ये स्ट्रक्चर है इसका स्टूडेंट्स ये भी व्हाइट और येलोइश व्हाइट पाउडर होता है स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होता है वाटर में अल्कोहल में मिथाइलिन क्लोराइड में सॉल्यूबल होता है ठीक है अब यह क्या करता है ये भी सिमिलर आपका मस्क्रीनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है लेकिन मस्क्रीनिक रिसेप्टर कहाँ होने चाहिए स्मूथ मसल्स में अब मस्क्रीनिक रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो फर्दर एसिटाइल कोलिन के एक्शन को भी ये क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है सिमिलर वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर का स्टोरेज है इसका ट्रीटमेंट यूज कहाँ है ट्रीटमेंट में पैप्टिक अल्सर के गैस्ट्रिक अल्सर के एक्सेसिव स्वेटिंग के और कॉमन यूज स्पैज्म ऑफ स्टमक ब्लैडर, इंटेस्टाइन। तो इसके बाद आगे चलते हैं देखिए नेक्स्ट ड्रग जो हमारे सिलेबस में है दैट इज बेंस्ट्रोपिन मिसाइलेट इसका सिनोनेम है बेंस्ट्रोपिन ये देखिए ये स्ट्रक्चर है बेंस्ट्रोपिन का ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो कि वाटर में सोल्यूबल है इथेनॉल में सोल्यूबल है और ईथर में इनसोल्यूबल है है ना ये पर्टिकुलरली ध्यान देंगे इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये सेलेक्टिव एम वन एंटागोनिस्ट है पर्टिकुलरली एम वन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है ठीक है और साथ में ये आपका एंटीकोल एजेंट है पूरी बॉडी में एक बार एक ड्रग एडमिनिस्टर किया तो हमारी बॉडी में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने कोलिनर्जिक पॉइंट्स हैं सब पे ये एक्ट कर जाएगा और एंटी बिहेवियर करेगा साथ में ये जीआईटी टी से एब्जॉर्ब होता है इसको भी अगेन वेल क्लोज टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट में आप स्टोर करते हैं यूज एंटी है एंटी हिस्टेमिनिक है और एनेस्थेटिक भी है इसका यूज पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है साथ में डिस्चोनिया मतलब एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें यूज होता है और वेटरनरी प्रेपेज्म मतलब जो आ, पेनिस है एनिमल्स का जो पेनिस है उस वो परपस सॉल्व होने के बाद भी या प्रेजेंट नहीं होने के बाद भी अगर वो इरेक्ट कंडीशन में आता है तो उस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है नेक्स्ट जो ड्रग हमारे पास है दैट इज और इसका नाम है ऑरपीफेल ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ये भी वाइट या ऑलमोस्ट वाइट ऑफ वाइट क्रिस्टल पाउडर है वाटर में स्पैरिंगली सॉल्यूबल है और स्लाइटली सोल्यूबल है अल्कोहल में देखिए इसका मैकेनिज्म ऐसा ये एक नॉन सेलेक्टिव एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है यानी कि क्या मतलब हुआ एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होना चाहिए चाहे वो कोई सा भी एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एन एम जो भी वो बस एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होना चाहिए उसके ऊपर ये नॉन सेलेक्टिव है बिना देखे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को एंटगोनिस्ट कर जाएगा जीआईटी से एब्सॉर्व होता है और यूरिन से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है इसको आप वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं स्टेराइल टेम्पर प्रूफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन है इसके बाद यूज क्या है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज यानी कि ऐसी पार्किंसन डिजीज की वो कंडीशन जो आपको सिम्टम्स शो कर रहे हो स्केलेटल मसल का रिलैक्सेंट है और रिलीव इन पेन मतलब जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उसमें जब स्पैज्म होता है मरोड़ होती है तो उससे जो पेन होता है उसके रिलीफ में यूज होता है इसके बाद टेंथ नंबर का जो ड्रग है दैट इज बाइपेरिडिन ये इसका है बाइपेरिडिन हाइड्रोक्लोराइड ये स्ट्रक्चर है प्रॉपर्टी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है स्लाइटली इन क्लोराइड वाटर और अल्कोहल है देखिए ये जो ड्रग है बाइपेरिडिन ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी एम वन रिसेप्टर प्रेजेंट है ये उन सभी एम वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है ठीक है इसका पर्टिकुलरली एम वन रिसेप्टर से ही ब्लॉकेज होगा और वो भी सेंट्रली मतलब बॉडी में जहाँ जहाँ भी एम वन है सबको ये ब्लॉक कर देगा इसके बाद ये मस्क्यूलोट्रॉपिक एक्शन देता है सारे के सारे पेरीफेलर स्ट्रक्चर्स को ब्लॉक कर देता है और ये इजीली बॉडी में जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है सिमिलर स्टोरेज कंडीशन है वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर लाइट रेजिस्टेंट प्रोटेम्पर प्रूफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट वही बेसिक है ना सारे के सारे पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का जो साइड इफेक्ट है उसको कम करने में यूज होता है मसल्स की रिजिडिटी यानी कठोरता कम करके उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यूज होता है और जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा या एबनॉर्मल स्वेटिंग और सलाइवेशन है उसको भी ये रिड्यूस करता है। इसके बाद ड्रग है हमारा प्रोसाइक्लिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड इसका और एक नाम है प्रोडाइन ठीक है ये देखिए ड्रग का स्ट्रक्चर ये भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है मैकेनिज्म कैसा है ये एक एंटीकोलिनर्जिक है जो कि आपके मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और साथ में ये जो है ये पेरिफेरल इफेक्ट भी देता है इसको आप वेल क्लोज टाइट कंटेनर में रखते हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इसका यूज जो है पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में और स्पेसिटी ऑफ वॉलेंट्री मसल यानी कि वॉलेंट्री मसल के स्पैस को दूर करने में यूज होता है इसका सिंथेसिस समझिए देखिए आपके पास रॉ मटेरियल में होता है एसीटोफिनोल इसके साथ आप ऐड करते हैं एच और ये आपकी रिंग है ना कौन सी रिंग है ये पार्लोडीन की रिंग है ना अब इसमें हम तो मैनीच रिएक्शन लगाते हैं मैनिज का कौन सा कंडेंसेशन वाला रिएक्शन और एसिटिक एसिड को सपोर्ट के लिए लेते हैं यहाँ रिमूव होता है वाटर वाटर कैसे रिमूव होगा आपका थोड़ा देखेंगे अगर आप तो आपको वाटर रिमूव कराना है यहाँ से लीजिए एच यहाँ से ओ और ये सी एच थ्री में से एक एच ठीक तो अब आपके पास बच गया सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री में से एक एच गया तो सी एच टू सी दो एच सी एच टू और ये एन ठीक है ये स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट्स बना ये बना आपका बीटा पार्लोडीन प्रोपियोफिन का ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करा रहे हैं यहाँ पर हम लोग एडिशन रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस दोनों एक साथ करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एम जी बी आर और ये ठीक है देखिए ये रिंग is, इसको कुछ नहीं हो रहा है आ गया इस कार्बन पर जिसने डबल बॉन्ड ओ कैरी किया हुआ था इस डबल बॉन्ड ओ में से एक बॉन्ड ब्रेक करिए तो कार्बन के पास एक डेफिशिएंसी हुई उसमें हम ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग अटैच किए ठीक अब ये ओ के पास एक खाली जगह है सी एच टू सी एच टू एन एज इट इज है ठीक है आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया था तो ये हाइड्रोजन जो इस कार्बन के पास था वो फ्री हो गया यहाँ पर आपने एच ऐड कर दिया हो गया इस तरीके से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होता है और आपको प्रोसाइक्लिडीन नाम का ड्रग अवेलेबल हो जाता है आइए हाँ आगे नेक्स्ट ड्रग देखते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रग है ट्राई डाई ट्राइडाई क्लोराइड ट्राई तीन डाइहेक्सिथाइल क्लोराइड है ना तो ये क्लोरीन हो गया और बाकी इथाइल हो गया ये तीन बार है ना बन गया आपका ड्रग ये देखिए व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट होता है सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है ये आपके तीनों मस्क्रीनिक रिसेप्टर यानी कि M1, M2 और M3 इन तीनों को ब्लॉक करता है इन तीनों मस्क्रीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने के कारण ये एसिटाइल कोलिन ब्लॉकर की तरह भी काम करता है इसको हम लोग क्या करते हैं वेल क्लोज टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखते हैं एज यूजल है ना? इसका यूज क्या है देखिए एन अगेन यूज है एंटी स्पैसमोटिक एंटी एंसर एंटी कोलिनर्जिक और निस्टैगमस यानी कि इन आई मोमेंट आंखों का वो मोवमेंट जो आपकी मर्जी से नहीं होता उसके ट्रीटमेंट में आप इसको यूज करते हैं अपना जो लास्ट ड्रग है दैट इज आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड इसका और एक नाम आइसोप्रोपामाइड ही है इसका प्रॉपर्टी कैसा है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है सॉल्युबल है वाटर में इथेनॉल में क्लोरोफॉम में और इन है ईथर में ये नेचर में क्वार्टरनरी होता है अगेन क्वार्टरनरी मतलब यही नाइट्रोजन के चार बॉन्ड्स हो गए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है कि ये एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि अगेन आपका क्या काम करता है मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है केवल केवल मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो भी आपका कैसा होता है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसको भी हम कहाँ रखते हैं वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में और इसका भी यूज कहाँ कहाँ है अगेन आपका ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिकल्सर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल हाइपर एक्टिविटी और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में नेक्स्ट ड्रग जो है हमारा दैट इज इथ प्रोमोजीन हाइड्रोक्लोराइड इसका और एक नाम इथोप्रोमोजीन ही है ये ड्रग का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें आपका नाइट्रोजन नॉर्मल है यहाँ पर क्वार्टरनरी नहीं है ये वाइट या क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है स्लाइटली सॉल्यूबल है वाटर में इसका वर्किंग कैसा है इसका मैकेनिज्म कैसा है तो ये क्या करता है हमारा जो कोलिनैर्जिक रिसेप्टर है उसको पार्टली ब्लॉक करता है यानी कि पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है और एक बैलेंस क्रिएट कर देता है आपका कोलिनैर्जिक और डोपी एक्टिविटी के बीच में जैसे आप देखिए हमेशा हमारे पास क्या होता है ऐसा ड्रग अवेलेबल होता है जो प्रॉपर तरीके से ब्लॉक करता है सपोज ये हमारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर है तो ये जो ड्रग है वो इससे ऐसा पार्टली बाइंड करेगा अब पार्टली बाइंडिंग होने से कोलिनर्जिक एक्टिविटी और में एर्जिक एक्टिविटी जो है उसके बीच में एक बैलेंस जनरेट हो जाता है ये जो बैलेंस जनरेट होता है ये हमारा जो है फर्दर कोलिनोलाइटिक एक्शन प्रोवाइड कर देता है अगेन आप इसको क्या करेंगे वेल क्लोज टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखेंगे यूज क्या है ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन और एनेस्थेटिक है एंटी हिस्टेमिनिक एजेंट्स है तो स्टूडेंट्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ड्रग्स अपन को कोलिनोलाइटिक्स के अंदर प्रिपेयर करना है आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच